कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा संग है, तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, इस शो की आखिरी किश्त पर मैं आमिर खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस सफर में आपने मेरा इतना साथ दिया, हम सफर बने, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना हौसला बढ़ाया। वाकई ये सफर मेरे लिए एक यादगार सफर रहा है। कितना कुछ सीखने को मिला है मुझे, कितने कमाल के लोगों से हम मिले हैं। मैं उन सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे शो पर आए और हमारे साथ अपने जज्बात बांटे, अपनी आपबीती सुनाई, और कई दफ़ा तो ऐसे नाजुक, निजी और मुश्किल लम्हों को उन्होंने हमारे साथ बांटा जो करना आसान नहीं हुआ होगा। ये उनकी उदारता थी, उनका बड़प्पन था। इस सफ़र के दौरान मैं अलग अलग जज्बातों से गुजरा, कभी दुख हुआ, कभी रोना आया, कभी हंसी आई, कभी खुश हुआ, कभी मायूस हुआ, कभी उम्मीद जागी, बहुत बार टूटा, बहुत बार बना। और आज इस सफ़र के आखिर में मैं अपने आप को इंसानी तौर पर और जज्बाती तौर पर और ज़्यादा अमीर पाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र से आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही समृद्ध हुई होगी जितनी की मेरी। दोस्तों, इस सफ़र के दौरान कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए हैं। अगर मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। किसी को चोट पहुँचाने का मकसद मेरा बिल्कुल नहीं था। किसी एक इंसान को या ख़ास समूह को निशाना बनाना कभी भी मेरा मकसद नहीं रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए हमेशा मुद्दे अहम रहे हैं, हमारी समाज की बेहतरी, देश की बेहतरी ही हमेशा मेरी नीयत रही है। मेरा ये मानना है कि ये सारे मुद्दे जो मैंने उठाए हैं वो हम सब के मुद्दे हैं और इनका हल भी हमें ही ढूंढना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप, मैं, हम सब एक बेहतर समाज और एक बेहतरीन हिंदुस्तान चाहते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब लोग साथ में आएंगे और मिलकर काम करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको हमारी आज की ऑडियंस से मिलाता हूँ। आज हमारे साथ हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। टेल मी किड्स, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया, व्हाट इज योर ड्रीम फॉर द कंट्री, किस किस्म के हिंदुस्तान का सपना आप देखते हैं? जी, हर इंसान, हर जगह, हर छोटे छोटे गांव में भी बेसिक नेसेसिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी और जो बिजली जरूरतें होती है, आम जरूरतें होती आम जरूरत होती हैं, वो भारत देश में पहुंच हर जगह पहुंचनी चाहिए। जी जी जी। और कोई मुझे बताएगा? सबकी जड़ करप्ट है, जब तक वो नहीं जाता है तब तक भारत अच्छा नहीं बन पाता, ऐसे मुझे लगता है। तो आप एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहाँ करप्शन मिट चुका है? हाँ जी, तभी भारत आगे अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ धर्म, धार्मिक और जाति का भेदभाव ना हो। व्हेन पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर आइडेंटिटी एज इंडियंस, वो अपने देश की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं, एंड इंडिया कैन बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। वाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे ख्याल हैं आपके दिलों में हमारे देश, हमारे मुल्क को लेकर। अब याद करने की कोशिश करते हैं उस सपने को जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, उन लोगों के भारत का सपना जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी अर्पित कर दी थी। क्या था उनका सपना, कैसा सपना देखा था नेहरू, गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, आज़ाद और सरदार पटेल जैसे लोगों ने? दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वज इस सपने को हमारे लिए लिख कर गए,
कहां लिखा उन्होंने? हमारे संविधान के पहले पन्ने पर, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक पन्ना हमें याद दिलाता है कि उन्होंने कैसे हिंदुस्तान का सपना देखा था। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. दोस्तों, आसान जबान में इसका मतलब ये कि हम हिंदुस्तान के नागरिक ये तय करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को चार चीजें दिलवाएंगे। जस्टिस यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी यानि आज़ादी, सोचने की, बोलने की और अपने अपने धर्म का पालन करने की, इक्वालिटी यानी कि हम सब बराबर हैं, एक समान हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और सब नागरिकों को बराबरी मिलेगी अवसर की, मौके की, और चौथा फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। हम एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाएंगे, हर एक इंसान को इज्जत से जीने का हक होगा, और अपने देश में हम एकता और अखंडता बढ़ाएंगे, कायम रखेंगे। दोस्तों, ये था हमारे पूर्वजों के भारत का सपना। आजादी के 65 सालों के बाद क्या हम इस सपने को पूरी तरह से सच बना पाए हैं? क्या हमारे देश में हर नागरिक के लिए न्याय है, बराबरी है, भाईचारा है? क्या में से सभी को आजादी है कहने की, बोलने की, सोचने की? कुछ लोग ये मानते हैं कि हम लोग इस सपने को साकार करने में नाकामयाब रहे हैं, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात सही है कि हम पूरी तरह से सपने को अमल में नहीं ला पाए, पर यह बात भी उतनी ही सही है कि यह सपना मरा नहीं, आज भी जिंदा है, आज भी कई दिलों में इसकी ज्योत जल रही है। दोस्तों, सत्यमेव जयते के सफर में मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो अपने काम से हिंदुस्तान के इस सपने को सहेज कर, संभाल कर जिंदा रखे हुए हैं। उनमें से कई लोग तो शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि अपने काम के जरिए वो हमारे संविधान की दिखाई राह पर चल रहे हैं। आज का हमारा शो उन लोगों के नाम है जिन्होंने न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे की मशाल को कस के थामा हुआ है, बुझने नहीं दिया है। आइए उनमें से एक से मिलते हैं। सन 2001, कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप ने गुजरात में भारी तबाही मचाई। कई लोगों ने एक पल में अपना सब कुछ गंवा दिया। उसमें मेरे मम्मी पापा दोनों जो है वो एक्सपायर हो गए थे। सूरत की सर्वोदय नामक एक सेवाभावी संस्था ने इन भूकंप पीड़ित बच्चों को सहारा दिया। हमने सोचा ये सब बच्चों के एजुकेशन का क्या, इसका कौन ख्याल करेगा, तो हम उस वक्त 56 बच्चों को लेकर के आए थे। सर्वोदय ट्रस्ट की पनाह में ये भूकंप पीड़ित बच्चे उस भयानक हादसे से उभरने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक साल गुजरा नहीं होगा कि फिर ये एक मानव सर्जित भूकंप वापिस आया। सन 2002, मजहबी दंगों ने कत्लेआम मचा दिया। मौत के उस तांडव ने कई बच्चों को यतीम कर दिया। हम जैसे भी करके बचा कर भाग लिए, मगर हम अम्मी, हमारी अम्मी को नहीं बचा पाए। पूरा टुल्ले ने पूरी आग लगा दी ट्रक को। मेरे जो बड़े फादर थे, मेरी मौसी थी जो छोटे से मुझे बड़ा किया, वो अंदर डेथ हो चुकी, उनके डेथ हो गई थी उनके अंदर। उसकी बात सुनी तो ऐसे दिमाग में आया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या गुजरती उस पर, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। नफरत के इस अंधेरे में सर्वोदय ने भाईचारे की लौ जलाई। सर्वोदय ट्रस्ट ने दंगों में बेसहारा हुए 18 मुस्लिम बच्चों को हॉस्टल में जगह दी
और उनकी पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी ली। हम उनको सिखाएंगे कि आप मुस्लिम हो, हमें आपके धर्म के लिए सद्भाव है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, आप पक्के मुस्लिम बनो। दोनों मजहबों के बच्चों का अब एक ही आशियाना था, सर्वोदय ट्रस्ट। लेकिन इंसानियत को जिंदा रखने के लिए उठाया गया ये जज्बाती कदम काफी जोखिम भरा था। उस वक्त माहौल इतना खराब था कि अगर यहाँ आने के बाद कोई मुस्लिम बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हॉस्टल में भी हालात काफी तनावपूर्ण थे। बच्चों में भी थोड़ा ये रहता था, भूकंप वाला अपना ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग। मुस्लिम बच्चे थोड़ा डरे डरे से रहते थे, ऐसे सोचते थे कि ये लोग सब हमको मार रहे हैं। पर बच्चों के एतबार को परिमल भाई और तृप्ति बहन ने प्यार और अपनेपन से जीत लिया। स्कूल के बाद हम आते थे और फिर हम खेलते थे उनके साथ इसी हॉल में, साइड में ये बच्चों को भी समझाते थे कि नहीं ये ऐसे मुस्लिम आप मत देखो, ये भी आपकी तरह तकलीफ में है। ऐसे करके धीरे धीरे फिर सब बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। दोनों मजहबों के बच्चों को दर्द के रिश्ते ने जोड़ दिया। मुमाया और नईम की दोस्ती भी इसी एहसास के धागे से जुड़ी है। हमारे हिंदू बच्चों ने उनको एक आश्वासन दिया था कि जब तक हमारे शरीर में लहू का एक बूंद रहेगा तब तक हम किसी मुसलमान बच्चे के ऊपर किसी को हाथ उठाने नहीं देंगे। बच्चों में भले ही प्यार बढ़ रहा था लेकिन उनकी देखभाल कर रही सुशीला बहन अभी तक अपनी दुविधा से उभर नहीं पाई थी। वो ऐसे मानती थी कि ये तो सब मांस मच्छी सब मटन खाने वाले हैं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन 7 साल के मासूम नईम ने सुशीला बहन की धर्म की परिभाषा ही बदल दी। वो जो नईम है जो रोटी का लड्डू बना के सीधा दौड़ दौड़ के बंजी थोड़ा मुंह में डालो कितना अच्छा मैं बनाया, तब मुझे मन में तो थोड़ा संकोच खाता था मगर बच्चा ने इतना मुझे प्यार दिया कि मैं मेरा धर्म छोड़ दिया। धर्म के नाम पर हुए दंगों में अपना घर बार खो चुके इन बच्चों ने यहाँ धर्म का असली मतलब जाना। यहाँ पे सर्व धर्म समान है, हमको ऐसा नहीं महसूस होता था कि ये हिंदू है मुसलमान है, हम साथ में ही रहते थे। यहाँ पे ऐसा रखते थे हम लोग को कि यहाँ हमारा परिवार ही है। वो इंसानियत के लिए काम कर रहे थे और वही सबसे बड़ा धर्म है। सिर्फ इंसानियत ही नहीं, एकता और भाईचारे की नींव पर रचे गए भारतीय संविधान की गरिमा को भी बरकरार रखा है सर्वोदय ट्रस्ट ने। दोस्तों, इस वक्त सर्वोदय ट्रस्ट के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अरविंद जी, तृप्ति जी, नमस्ते, परिमल भाई, नमस्ते, और जानवी जी, नमस्ते। और हमारी ऑडियंस में मौजूद हैं मुमाया और नईम, दोनों जय और वीरू की जोड़ी की तरह हैं। सुशीला बहन और अल्ताफ, वाकई बहुत ही दिल को छू लेने वाला किस्सा है आपका। परिमल भाई, मुझे बताइए कि इतने मुश्किल हालातों में ये काम करने की हिम्मत आप में कहाँ से आई? अमीर जी, ये कोई एक कौम या मजहब की समस्या नहीं थी, ये समस्या थी हमारे संविधान और हमारे संस्कृति की, उसकी अस्मिता की, उसकी गरिमा की। जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है इस चीज़ के अंदर में, वी आर ए सेक्युलर स्टेट, और हम मानते हैं कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। कभी कोई सिख कम्युनिटी पे कुछ हमला हुआ हो, या कभी कोई हिंदू कम्युनिटी पे होता है, या कभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी पे होता है, तो वो कोई सिर्फ सिख या हिंदू या मुस्लिम पर वो हमला नहीं है, वो भारत देश की संस्कृति पर हमला है, भारत देश के अस्तित्व पर हमला है। ये जो होता हुआ है वो एक कलंक समान है। तो हमें लगा कि ये जो घाव है, जख्म है, उस पर कुछ मलम तो लगना चाहिए। तो हमने सोचा कि वो भी हमारे भाई है, उनकी भी रिहैबिलिटेशन करना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। वाह, ये बहुत ही खूब काम किया आपने और आपके सर्वोदय ट्रस्ट ने, हमारी तरफ से सलाम से दीजिए।
बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़, झील में तैरते शिकारे, कुदरत के अद्भुत सृजन का प्रतीक जन्नत का दूसरा नाम कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरती को नजर तब लग गई जब भाईचारे से रहने वाले कश्मीरियों को हिंदू और मुस्लिम में बांटा जाने लगा। वादियों में गूंजती श्लोक और अजान की आवाज गोलियों के शोर में कहीं दब गई। उग्रवादियों के मचाए हुए कोहराम से खौफ खाकर कश्मीरी पंडित रातों रात बिना किसी को बताए अपने घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन वुसान करहमा गांव की आशा जी ने सुबह अपने पड़ोसियों को अलविदा कहकर रुखसत लेना मुनासिब समझा। इन्होंने सुना कि ये जा रहे हैं तो मुखिया साहब आए यहाँ पर और उन्होंने अपने साथ सारे लोगों को लाया। उन्होंने बोला कि क्यों जा रहे हैं, आपकी जमीन यहाँ पर है, मकान यहाँ पर है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ जाएंगे। बोलते थे हम भी जाएंगे, हमने उसको जाने नहीं दे दिया। हमने उसको बोला कि जिस तरह हम यहाँ रहेंगे उसी तरह आप। इसलिए फिर हमने फैसला कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। समय अपनी गति से चलता रहा। आशा जी और उनका परिवार अपने गांव में अपनों के बीच हमेशा महफूज रहे। पंचायत के जब चुनाव हुए तब लोगों ने आशा जी को उम्मीदवार के रूप में आगे किया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद खुद आशा जी ने भी नहीं की थी। उन्होंने बोला मुबारक है। मैंने कहा किस बात की। बोला आप जीत गए। मैंने कहा कहां जीता होगा मैंने, क्योंकि मेरा खुद का वोट वहां पर नहीं था, तो वहां तो मुस्लिमों ने वोट डाले हैं। मुस्लिम बहुमत वाले इलाके में एक हिंदू औरत चुनाव जीत गई। इनका नाम आशा है और आशा का माने ही है उम्मीद। तो हम ये उम्मीद ही रखते थे कि कश्मीरियों के लिए भला हो, हमारे गाँव के लिए भला हो। एकता की एक बेजोड़ मिसाल कायम करने वाले वुसान करहमा गांव के लोगों ने प्रजातंत्र में भी लोगों का विश्वास और मजबूत किया। हम लोग यहाँ जो रहते हैं ना, हिंदू और मुस्लिम आपस में हमसाया है बहुत सालों से, आज भी इसी तरह है, कोई फर्क नहीं आया हमें। वादी में कई तूफान आए लेकिन उन सब के बीच कश्मीरियत और इंसानियत की शमा आज भी जल रही है। दोस्तों, वुसन करामा गांव से हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर साहब, आशा भट्ट जी और अब्दुल हमीद जी। अब्दुल हमीद जी, मुझे बताइए कि आशा जी और उनके परिवार जब गांव छोड़ के जा रहे थे तो आपने उनको रोका। बिल्कुल। तो ये एक परिवार को रोकना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था आपके लिए, इतनी अहमियत क्यों थी इस बात? एक्चुअली एक ही परिवार को हमने नहीं रोका, जो हमारे और भी वहाँ पंडित भाई हैं जी, चार पांच घर और भी हैं जी जी, हमने उनको जाने नहीं दिया। क्योंकि 47 में भी हमारे पूर्वजों ने, मेरे बाप ने, मेरे चाचा ने, वही तो उस वक्त वो मुखिया थे, हेड ऑफ द विलेज थे, उस वक्त भी हमने वहाँ कोई खून खराबा नहीं होने दिया उन्होंने। वाह वाह, हमने वो मिसाल जो है उसको कायम रखा। वाह वाह, क्या बात है। आज हमने इनको बोला जब जीना है तो साथ जीना है, जब मरना है तो साथ मरना है। फिर इलेक्शंस हुए तो आज हम पूरे देश को, पहले कश्मीर को, फिर पूरे देश को, फिर पूरी दुनिया को एक और पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर में आज भी भाईचारा मौजूद है, कश्मीर में आज भी आपस में वो जो जिसको जन्नत बोलते हैं कश्मीर को, जो जो मशहूर है पूरी दुनिया में, वो आज भी वो परंपरा वहाँ मौजूद है। तो हम ये संदेश देना चाहते थे जी, पहले उन पंडित भाइयों को जो वहाँ से गए, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में आज बस रहे हैं जी, ठीक जिंदगी बस भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अपना घर अपना ही घर होता है, अपनी जगह अपनी जगह अपनी जन्मभूमि अपनी ही जन्मभूमि होती है जी। उनको हम ये संदेश देना चाहते थे कि आज हालात ठीक हैं, आप आए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारी आंखें आपके लिए तरस रही हैं जी।
आशा जी मुझे बताइए कि एक पंच होने के नाते हमारी डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के आपके क्या सपने हैं? सपने तो बहुत सारे हैं सर, मगर तब होते हैं हमारे सपने पूरे कि जब कि पंचायत को फुल इख्तियार दिए जाएं, मजबूत बनाए जाए। जी रिश्वत खोरी जो है तो उससे तो मेरे अंदाज में हम आगे तो नहीं चल सकते, क्योंकि हर जगह पर रिश्वत खोरी है। ये रिश्वत खोरी बंद होनी चाहिए, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत संजीव चौधरी दिल्ली में पले बड़े, MBA की डिग्री, अच्छी नौकरी, मॉडलिंग करियर, संजीव की जिंदगी सेट थी। मगर अपने पुश्तैनी गांव से आए हुए भोज के न्योते ने उनकी जिंदगी को दुराहे पे लाखड़ा किया। भोज में मैं यहाँ पे आया था और बगल में एक छोटा सा गड्ढा भी था, तो वहाँ गया और देखा कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और उस गड्ढे में दो तीन चार लोग बैठे हुए थे कंबल ओढ़ के, और वो पत्थर से जो जूठा अनाज था उसको उठा के एक टोकरे में डाल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ये जूठा अनाज तुम क्यों उठा रहे हो, तो बोला कि जूठा उठाना तो हमारा परंपरा है और इसको हम खाने के लिए लेके जाते हैं। तो फिर मैंने दीदी के ससुर को पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बोले ये डोम है और डोम को ये परंपरा है, चलता आ रहा है। संजीव बहुत बेचैन हुए। एक देश, एक धरती और एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, फिर हम अपने आप को आजाद कैसे कहते, फिर आजाद कौन हुआ? संजीव ने दिल्ली की सुख चैन की जिंदगी छोड़कर गांव जाने का फैसला किया। क्या करना मुझे भी नहीं मालूम था, सिर्फ एक चीज था कि मुझे छुआछूत के खिलाफ लड़ना है। संजीव ने अपने काम की शुरुआत बच्चों से की। बच्चों को पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है छुआछूत की, यही खत्म कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग संजीव के साथ जुड़ने लगे और बहिष्कृत हितकारी संगठन का जन्म हुआ। उनका अगला कदम था सालों से ऊंची जाति के शोषण का शिकार हो रही दलित महिलाओं को अपने हक के लिए संगठित करना। जो हमारी महिलाएं हैं वो सबसे बड़ी हथियार है लड़ने में। हम लोगों ने महिलाओं को एक संगठित तौर पे तैयार किया जो अपने सम्मान के लिए लड़े। इस संगठन चलने से बहुत परिवर्तन हुआ। महिला जहाँ है जा सकती है, खेत करना हो या बाजार हो या कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, कोई इसको कुछ नहीं करता है। ये ताकत संगठन से आई है। फिर जब हमारी लेवलीहुड की बात होती है तो जब हमारे पास अनाज नहीं होगा खाने को तो हम बिल्कुल जूठा उठाएंगे, जाके पैखाना उठा के फेंकते हैं, उसकी जगह हम जब हल चलाने लगेंगे तो एक हमको समानता का अधिकार मिल जाएगा। 40 साल पहले सरकार ने जमीनें दलितों को दी थीं, लेकिन उन पर कब्जा जमींदारों का ही रहा। इसके खिलाफ भी संगठन ने आवाज उठाई। ये सारी जमीन जो है आसपास में, ये हम लोगों ने भी 5 दिन का आमरण अनशन करके इसको हासिल किया है। 167 एकड़ जमीन का पट्टा सबको दिया, रसीद कटा सबको। इज्जत की लड़ाई में गंगा स्नान करने के संघर्ष ने अहम भूमिका निभाई। इसी गंगा के घाट पे चिताएं भी जलाई जाती हैं और डोम द्वारा एक बरसों से एक मिथक है, उसको अग्नि दिया जाता है तभी वो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलता है, लेकिन तभी डोम को उस गंगा में नहाने का अधिकार नहीं होता। गंगा जल पर अपने अधिकार को लेकर उन्होंने कलश यात्रा की शुरुआत की। यहाँ से लगातार गंगा जल भर के पर्वत जाते हैं और 2 दिन का हमारा वो उत्सव होता है जिसमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, इवन कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं, तो उस दिन तो हम बिल्कुल कास्ट को तोड़ने में जीत जाते हैं। इस तरह छूत अछूत परंपरा के खिलाफ जंग छिड़ गई और समाज के सभी तबके इसमें शामिल होते गए। ऊंची जाति का विचारधारा तो यही रहा है कि गरीब तबके का जितना भी आदमी है उसको दबा के रखना, ये तो गलत सोच है। छुआछूत का जो प्रथा था वह धीरे धीरे उठ रहा है। जब संजीव आया तो छूत का बातें खत्म हो गए। संविधान में लिखे गए बराबरी के सपने को साकार करने की कोशिश हो रही है संघर्ष और कुर्बानी से। वाह, मुझे बताइए संजीव जी के अक्सर हम अपने जिंदगी में देखते हैं कि कुछ अत्याचार हो रहा है और हम में से बहुत ऐसे होते हैं जिनको बुरा भी लगता है, हम कुछ करना चाहते हैं फिर हम डर जाते हैं, हम नहीं करते। आपकी जिंदगी खास अच्छी चल रही थी, आपके सामने आपका बहुत उज्जवल भविष्य था, आप इन चीज़ों से नहीं डरे और आपने ये सब छोड़कर आपने ये काम उठाया, ये हिम्मत आप में कहाँ से आई? अमित जी, लाइफ में कभी कभी टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि वो बिल्कुल आपसे अनभिज्ञ होता है। हमारी समाज की व्यवस्था में छुआछूत या मनुष्य को मनुष्य का दर्जा नहीं देने की तकलीफ है, और जो बरसों से हजारों सालों से मिथक आ रही है
कि जो तकलीफ है वो दलित हैं उनकी तकलीफ है, हमारी तकलीफ नहीं है, और हम इससे हमेशा बचने की कोशिश करते आ रहे हैं और बचते हुए जा रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा तकलीफ दिल को लगा और जो दर्द निकला उससे कई सवाल निकलते हैं, और ये सवाल उन दलितों का नहीं है जो दलित वर्ग में जन्म लिए हैं, ये सवाल हमारा है। अमीर जी, ये सवाल आपका भी हो सकता है। है मेरा भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हैं ये सबका है, हमारे देश के हर उस नागरिक का है जो इस देश में पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौट कर मिलेंगे नए हिंदुस्तान के कुछ और शिल्पकारों के साथ। वेलकम बैक दोस्तों। हमारा संविधान हर नागरिक को न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे का वादा करता है। अब मैं आपको तीन महिलाओं के काम की ऐसी कहानियां दिखाऊंगा जिन्होंने इन आदर्शों को पूरी तरह से जिया है। मानव तस्करी, देह व्यापार, जगमगाते शहरों का काला सच। आज भारत में 20 लाख महिलाएं और 10 लाख बच्चियां इस अमानवीय प्रथा का शिकार हो चुकी हैं। मैं खुद एक गैंगरेप विक्टिम हूँ। 16 साल की उम्र में 8 लोगों ने मेरा गैंगरेप किया था, तो अंदर एक आग है कि मुझे इन लोगों के लिए ही काम करना है। एंड इस तरह से प्रज्वला शुरू हुआ इन अ स्मॉल ब्रॉथल। आज तक प्रज्वला ने देश भर में 5,000 महिलाओं और बच्चियों को देह व्यापार से बाहर निकाला है। जो सबसे छोटे बच्चे है जिसे हम बाहर लेके आए हैं वो करीबन 3.5 साल की बच्ची है। 6 साल 7 साल के बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो करीबन 100 से ज़्यादा तो बच्चे ही हैं। काम दिलाते बोल के छोटे छोटे जो कम उम्र रहती लड़की उनको ले जाके कमरे में बंद कर देते हैं और 3 दिन उनको खाना पानी कुछ नहीं देते। जो हमारे साथ हुआ वैसे ही सारे लड़कियों के साथ होता है। एक कस्टमर बोलते हैं उसका पसंद का करना नहीं करना बोलते, सिगरेट से जलाते और बीयर बॉटल ऊपर डाल देते। देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता क्योंकि इसके पीछे अक्सर खूंखार माफिया का हाथ होता है। एक दिन ऐसा आया जहां पर एक मेरे स्टाफ को मेरे सामने मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई एक रेस्क्यू मिशन में। वैश्यालयों से महिलाओं को निकालने के बाद प्रज्वला की अगली चुनौती होती है उनके गहरे घावों को भरने की। रिहैबिलिटेशन का मतलब कि एक मानसिक रूप से, दूसरा आर्थिक रूप से तैयार होना है और तीसरा सामाजिक रूप से तैयार होना है। औरतों को यहाँ पे मिलती है ऐसी क्षमता जिससे वो अपने आत्मसम्मान समेत अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक मॉडल बिजनेस यूनिट कि भाई ये लड़कियां चला सकते हैं खुद अपना बिजनेस, और इस तरह से हमने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और एक फर्नीचर यूनिट चला के शुरू किया जहाँ पे लड़कियाँ खुद अपना ये करते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसा वो चलता है। साथ ही साथ उनके बच्चों के भविष्य पर खास ध्यान दिया जाता है। औरतों ने एक सीधा साधा ऐलान कर दिया कि मैडम आप हमारी चिंता छोड़ो, आप हमारे लिए कुछ भी मत करो, आप हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। एक वेश्यालय है तो हम लोग उनसे बात करेंगे, उसको खाली कराएंगे, आप वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए स्कूल शुरू करो। और मेरे आँखों के सामने जो मैंने देखा वो मेरे लिए एक मिरेकल है, क्योंकि किसी औरत ने अपना पाजेब निकाल लिया, किसी ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल ली, किसी ने कुछ सब लगा लिया जल्दी 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 एंड बोले कि भाई हम इसको अभी बेचेंगे, रेंट का पैसा जुगाड़ करेंगे, हम शुरू करेंगे। इस अन्याय के अंधकार से भरी दुनिया में सुनीता और उनके साथी अपनी कोशिशों से संविधान में लिखे गए सामाजिक न्याय के दीपक को प्रज्वलित रख रहे हैं। आज संस्था बहुत बड़ी है, 3 शेल्टर्स हैं ऑल टुगेदर, 17 स्कूल हैं। ये बच्चे हमारे लिए एक दैविक एक्सपीरियंस है क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद अगर वो स्माइल कर पाते हैं या उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तो मैं सोचती हूँ ना कि
हर इंसान को इन बच्चों से सीखना चाहिए। सुनीता जी, आप बहुत ही मुश्किल काम करती हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका आपको सामना करना पड़ता है? आमिर, हम लोगों की सबसे बड़ी संघर्ष है और चैलेंज है समाज। समाज का सोच, समाज का नज़रिया, समाज का रवैया। इन बच्चों के बारे में, इन लड़कियों के बारे में या इन औरतों के बारे में आप कहानियाँ लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, पिक्चरें भी बना सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को, इन लड़कियों को अपनाने के लिए कोई नहीं है। ये आपकी बहन नहीं बन सकती, आपकी बहू नहीं बन सकती, आपकी बीवी नहीं बन सकती, यहाँ तक कि आप अपने ऑफिस में इसको काम तक नहीं दे सकते। एक महीने पहले हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा वार हुआ, हज़ारों की तादाद के लोगों ने पब्लिक में हमको अटैक किया, ये कह के कि इन लोगों को, ऐसी तरह की लड़कियों को यहाँ नहीं रखना। तो कहाँ लेके जाएं हम लोग, कोई और ग्रह जाएं, कोई मार्स या वीनस या जुपिटर, कहीं और जाएं। पर दूसरी तरफ जिस हवस की भूख को मिटाने के लिए ये बच्चियाँ बिकती हैं, 4 साल की बच्ची बिकती है, 10 साल की बच्ची बिकती है, 15 साल की लड़कियाँ बिकती हैं, वो खरीदार वो बड़े शान से जी रहा है, उसको कोई दूर नहीं करता है। एंड ये जो रवैया है, ये जो दोगलापन, हिपोक्रेसी समाज का है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन है। इनफैक्ट हम लोग माफिया से डील कर लें, मार खा लें, पर इस समाज के रवैये से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग कितनी आशा से बच्चों को बाहर लाते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं, ये कह के कि आपको समाज अपनाएगा, और समाज जब आपको ऐसे धकेल के बाहर करता है तो बहुत अटकती है। बहुत बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं आप सुनीता जी। भारतीय संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के समान अवसर का हक दिया है, लेकिन हमारे ही समाज का एक हिस्सा इस समानता के अधिकार से वंचित रह गया है। पर पिछले 45 वर्षों से एक खुददार महिला समाज में विकलांगों को समान अवसर दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, नसीमा हुर्जो। समाज के हर स्तर पर विकलांगों के साथ हो रहे अन्याय को नसीमा जी ने महसूस किया, और इस असमानता को मिटाने की कोशिश से जन्म हुआ हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड संस्था का। हमारे इधर आने के बाद सबसे पहले हम उनको खुद के बलबूते पर रोज के काम कैसे किए जाएं ये सिखाते हैं, और वो सीखने से उनका फेस पर जो मायूसी होती है वो चली जाती है, और बस खुशी से काम में जुट जाते हैं। समाज भले ही विकलांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल की हिमायत करे, नसीमा जी के लिए स्कूल नहीं, बच्चे स्पेशल हैं, और इसलिए बिना किसी भेदभाव के नसीमा जी के इस अनोखे स्कूल में विकलांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। खूब मन लगा के पढ़ना है, मेरे कुल का नाम ऊंचा करना है, दीदी का नाम ऊंचा करना है। 18,000 विकलांगों की जिंदगी को रोशन कर नसीमा जी ने अपनी विकलांगता को मानव वरदान में बदल दिया है। दोस्तों, हमारे साथ हैं नसीमा जी। नसीमा जी, मुझे बताइए कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पांव सलामत हैं, फिर भी हम बड़े सपने देखने से डरते हैं। आपने ये हिम्मत कहाँ से आई कि आपने इतना बड़ा सपना देखा और उसे पूरा भी किया? क्या है, जब 16 साल की उम्र में मैं पैराप्लेजिक बनी, उस वक्त तो मुझे ऐसे लगता था मरने का राइट चाहिए, ख्याल आता था चाहिए, लेकिन ऐसे में मुझे ऐसे एक शख्स मिले, बाबू काका दीवान, जो खुद पैराप्लेजिक थे और 400 विकलांग उनके फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि अपने लिए जीने की जब उम्मीद नहीं होती है, मरना चाहते हैं, तब अपने से भी बदतर हालत में जो जीते हैं उनके लिए जीना सीख जाओ। वाह, चलिए, बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं आप, हम आपको सलाम करते हैं।
पहली नजर में ये अस्पताल किसी भी आम अस्पताल की तरह दिखता है, लेकिन इस अस्पताल के पीछे हमदर्दी की एक नायाब दास्तां छिपी है। बात 1971 की है। सुभाषिनी मिस्त्री के मजदूर पति बीमार पड़ गए। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनका निधन हो गया। क्या एक गरीब इंसान को इलाज कराने का हक भी नहीं है? इस सवाल से जूझते हुए उन्होंने एक ऐसा संकल्प किया जो आसमान से सितारे तोड़ लाने जितना कठिन था। मेरे साथ जो होना था हुआ, पर और माँ बहनों को ऐसी तकलीफ कभी न होने पाए। तभी मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगी। सुभाषिनी जी सड़कों पे सब्जियां बेचने वाली एक अनपढ़ महिला थी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक अस्पताल बनाएंगी जहां पर जरूरतमंद गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। लेकिन परिस्थिति बहुत कठिन थी। सुभाषिनी मिस्त्री ने दिहाड़ी मजदूरी की, कूड़े के ढेरों में से पुराने जूते चप्पल बीन कर बेचे, फिर भी परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उन्हें अपने छोटे बेटे को अनाथ आश्रम भेजना पड़ा। पर उनके मन के एक कोने में अस्पताल खोलने का सपना जिंदा रहा। अनाथ आश्रम में पले बड़े अजय ने अपनी माँ से प्रेरणा पाकर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, और जब अजय डॉक्टर बनकर वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ का सपना पूरा किया। माँ ने कहा कि हमें किसी भी कीमत पर ऐसा अस्पताल बनाना है जहाँ पैसे की कमी की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। एक झोपड़ी में बड़े निश्चय की एक छोटी शुरुआत हुई। जी हॉस्पिटल ये अस्पताल कैसे बना है मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ नहीं था हमारे पास, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर्टी नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसे हालातों से हमने लड़ाई की है। और आज ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल सब्जी बेचने वाली एक गरीब महिला की तपस्या और दृढ़ निश्चय की ताकत बयां करता खड़ा है। हाशपुकुर और उसके आसपास के हजारों जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करता है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। जब एक मरीज ठीक होकर घर वापस जाता है, वो जो खुशी होती है, उसके पूरे परिवार को जो खुशी होती है, ये देखने की संतुष्टि आप करोड़ों रुपए देकर भी खरीद नहीं सकते। और इस राह पर चलने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। बहुत नाज है मुझे अपनी माँ पर। दूसरों के दुख को अपना दर्द समझने की क्षमता सुभाषिनी मिस्त्री के सपने की नींव है। संविधान में कही गई भाईचारे की भावना की एक बेहतरीन मिसाल। दोस्तों, हमारे साथ अजय जी और मौशिमा जी मौजूद हैं, और उनके साथ उनका परिवार भी है, और उनकी पत्नी मौशमी जी जो हैं उनका हर कदम पे उनका साथ देती हैं, अजय जी का साथ देती हैं। मौशिमा, मुझे आपसे पूछना है कि आपने इतना मुश्किल सपना देखा, आपको कभी लगता नहीं था कि ये सपना शायद कभी पूरा ना हो? अनेक दुख करी थी मैंने, बहुत दुख देखे हैं। अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में डाला, तब से मेरा सपना था कि बच्चों को बड़ा करके मैं कुछ जरूर करूंगी। फिर बच्चे बड़े हुए, जब मैंने ये राह चुनी है तो मेरे बेटे को तो इसी राह पर चलना था। मैंने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई, ना कभी किसी और की बातों पर ध्यान दिया। अपने मन के विश्वास और ईश्वर की कृपा से मैं ये कर पाई। मुझे बस इतना ही कहना है। जब नियत नेक होती है और इरादा अटल होता है तो मंजिल चाहे कितनी भी नामुमकिन हो, पूरी कायनात घूम जाती है उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। वाह, क्या बात है माशा, बहुत कुछ। बेरामपुर के कृष्णानाथ कॉलेज में पढ़ता है बाबर अली। हर रोज कॉलेज खत्म होते ही बाबर अली को अपने घर पहुंचने की जल्दी रहती है, क्योंकि गंगापुर और आसपास के गांव के बच्चे बेसब्री से उसके लौटने की राह देख रहे होते हैं। बाबर के लौटने पर ही उनका स्कूल शुरू होता है। 19 साल का बाबर ही उनके स्कूल का हेडमास्टर है।
बाबर गांव के उन गिने चुने बच्चों में से था जिन्हें स्कूल जाने का मौका मिला। पर अपने साथियों का स्कूल न जाना 9 साल के नन्हे बाबर को मंजूर नहीं था, इसलिए स्कूल में जो सीखता था घर आकर अपने साथियों के साथ बांट लेता था। शुरुआत एक पेड़ के नीचे 5 दोस्तों के साथ हुई। जब मैं स्कूल से वापस घर आता था तब उन सब बच्चों को इकट्ठा करता था जो स्कूल नहीं जाते थे। पहले मैंने खेल खेल में ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया। मैं टीचर बनता, वो स्टूडेंट। तब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, सिर्फ 9 साल का था। एक छोटे से बच्चे की लगन देख लोग साथ जुड़ते गए, कारवा बनता गया। बाबर के घर के आंगन में ही एक स्कूल खेल उठा। आज आनंद शिक्षा निकेतन में सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें शायद शिक्षा का मौका कभी न मिल पाता। एक बच्चे द्वारा जलाया गया ज्ञान का दीपक कई नन्ही जिंदगियों को रोशन कर रहा है। दुनिया का सबसे छोटी उम्र का हेडमास्टर संविधान में लिखे गए बराबरी के आदर्श का सबक सिखा रहा है। बाबर, आपने 9 साल की उम्र में स्कूल शुरू किया, हेडमास्टर बन गए। इस उम्र में तो बच्चों का ध्यान खेलकूद में रहता है, वो सब छोड़ के आपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले ली? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि हर इंसान को अपने समाज की भलाई के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना तो करना ही चाहिए। दोस्तों, बाबर अली ने बिना किसी पैसे के सिर्फ अपने मन की भावना के बल पर अपने साथियों को अपने समान अपने बराबर ला खड़ा करने का जज्बा दिखाया। अनजाने में ही अपने देश के संविधान के आदर्शों का पालन किया। अब सोचिए क्या असर पैदा होगा जब कोई ऐसा इंसान शिक्षा के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाएगा जिसके हाथों में इस काम को एक बड़े पैमाने पर करने की पूरी ताकत है। भारत में स्कूल जाने की उम्र के लगभग 14 करोड़ बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब तक ऐसे हालात होंगे भारत की प्रगति का सपना बस सपना ही रह जाएगा। एक इंसान ने इस परिस्थिति को बदलने की ठानी, विप्रो नामक कंपनी के स्थापक श्री अजीम प्रेम जी। अपनी निजी संपत्ति से 8,846 करोड़ की राशि उन्होंने शिक्षा के काम में डाल दी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुफ्त शिक्षा देने वाले सैकड़ों सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और इस काम का केंद्र बिंदु बने शिक्षक। अब समझो, एक डॉक्टर क्या तो भी गलत करा बोलते एक मरीज मर सकता है, एक इंजीनियर क्या तो भी गलत करा बोलते एक ब्रिज गिर सकता है, मगर एक टीचर गलत करे तो फुल एक समुदाय स्मैश हो जाता है। टीचर को उतना जवाबदारी है। फाउंडेशन ने शिक्षकों के साथ रहकर उनकी चुनौतियों को समझा और ट्रेनिंग के द्वारा हल ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पर सरकारी शिक्षक अपने समय में मतलब संडे को आते हैं और एकेडमिक बातें करते हैं। मैं चुनौती दे सकता हूँ हमारे जो इफिशियंट कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ भी ये नहीं हो सकता। साथ ही साथ स्कूल को समाज का अहम हिस्सा बनाने की कई निराली कोशिशें हुई। कहीं माता पिता दादा दादी को स्कूल के कार्य में शामिल किया गया तो कहीं बच्चों द्वारा आयोजित शिक्षा मेलों ने कई गांव में शिक्षा के प्रति उत्साह जगाया। आज फाउंडेशन ने 25,000 सरकारी स्कूलों में 25 लाख बच्चों की जिंदगियों को संवारने की शुरुआत की है। ये एक ऐसी पहल है जो हमारे सपनों के भारत को दिशा दिखा रही है। तो अब हम जुड़ेंगे सीधे 3G लिंक के जरिए अजीम प्रेम जी के साथ बैंगलोर में। अजीम साहब, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नमस्कार।
अजीम साहब, ये मेरा अनुभव रहा है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जब लोग दान करते हैं तो आमतौर पे वो किसी मजहबी संस्था को, किसी धार्मिक संस्था को होता है। आपने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई लिखाई में दान किया है, और सिर्फ दान ही नहीं, आपकी फाउंडेशन बाकायदा इसमें काम कर रही है। ये ख्याल आपको कैसे आया? I think with wealth comes a certain responsibility of trust. मेरा मानना है कि धन दौलत के साथ साथ उसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देश का भी उस संपत्ति पर अधिकार है, क्योंकि देश से ही आपने वो संपत्ति कमाई है। इसलिए उसका एक बड़ा हिस्सा आप सामाजिक कामों में इस्तेमाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर मुद्दा बचता है कि आप किस क्षेत्र को चुनते हैं, किस काम में आपका विश्वास है, कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की। हमने शिक्षा के क्षेत्र को चुना क्योंकि हमें विश्वास था कि एक अलग किस्म का भारत, एक ऐसा भारत जिसकी संविधान में कल्पना की गई थी, उसे बनाने में शिक्षा की एक अहम भूमिका है। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता बनी शिक्षा, और स्कूलों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें भी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है देहात के सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, क्योंकि इन स्कूलों में अक्सर शिक्षा का स्तर काफी खराब होता है, इसके बावजूद कि सरकार इन स्कूलों पर काफी पैसा खर्च करती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजीम साहब, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप और आपकी संस्था राष्ट्र निर्माण की इस महत्वपूर्ण काम में इतना बड़ा योगदान दे रही है। शुक्रिया, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ साइकिल की मरम्मत कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा लड़का 22 साल का था, वो गया था सुल्तानपुर, और उसे किसी ने मार के बोरे के अंदर फेंक दिया। उसे लाश नहीं मिली, मुझे इतना अफसोस हुआ, पागल की तरह घूमता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अब ये जख्म जो है किसी को होने न देंगे। उस दिन से हर लावारिस लाश से शरीफ चाचा ने अपना रिश्ता जोड़ लिया। 20 सालों से शरीफ चाचा इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। हजारों लावारिस लाशों को उन्होंने कंधा दिया है। आज पूरा शहर उनके इस जज्बे की सराहना करता है। कहीं भी अज्ञात लाश, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता। वो हर जगह पहुंच जाएंगे। जो हिंदू है उसको ले जाके वो संस्कार कराते हैं, और जो मुसलमान है उसको ले जाके वहां दफनाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बेटे की लाश को जा रही है, तो वो मैं ये नहीं समझता कि कौन है। मैं ये समझता हूँ खून एक है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ, इसके माँ बाप को शांति मिलेगी। हमारा संविधान हर नागरिक को इज्जत देने की बात कहता है। शरीफ चाचा अपने काम से इस आदर्श को जिंदा रखे हुए हैं। शरीफ चाचा, लोग मौत से दूर भागते हैं, डरते हैं। आप हर रोज मौत से रूबरू होते हैं, मौत का सामना करते हैं, कहाँ से आती है ये हिम्मत आप में? मेरा बच्चा जब से गया है, जब से मुझे शांति नहीं ना, मैं खाना पीना नहीं समझता। सबसे बड़ी इबादत मैं ये समझता हूँ, सब धर्म एक है, खून सबका एक है। सत्ताईस नवंबर 2003 को गया स्टेशन से अपने निवास स्थान की ओर जा रहे सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 वर्ष के इस युवा इंजीनियर की मौत ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस प्रतिभाशाली इंजीनियर का जन्म बिहार के एक छोटे गांव शाहपुर में हुआ था। उनके गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन 6 साल के सत्येंद्र की प्रतिभा ने पूरे गांव में उम्मीद की रोशनी जलाई। गांव की छोटी सी पाठशाला से लेकर प्रसिद्ध IIT कानपुर तक हर इम्तिहान में सत्येंद्र ने अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता हासिल की। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दरवाजे सत्येंद्र के लिए खुले थे, लेकिन सत्येंद्र को देश निर्माण के काम में दिलचस्पी थी। मैं देखता था बाहर के लोग और अपने भैया को, तो जो डिफरेंस इन थॉट्स जो होते थे वो क्लियरली दिख जाते थे। मतलब लोग कितने सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोचते हैं,
और भैया की सोच कितनी आइडियल होती थी। सन 2002 में चार महानगरों को सड़क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी चतुर्भुज योजना का आरंभ हुआ, जिसमें सत्येंद्र को बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल किया गया। सत्येंद्र कोडरमा झारखंड में 450 करोड़ की लागत से बन रही 80 किलोमीटर की सड़क का कामकाज संभाल रहे थे, लेकिन सड़क निर्माण योजना में हो रहा भ्रष्टाचार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। टेस्टिंग के टाइम पे कोई और मटेरियल दिखाया जा रहा है, जब बनने जा रही रोड तो वहाँ पे कोई और मटेरियल यूज किया जा रहा है। भैया बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। उनका ये कि मुझे गलत ना करना है ना करने देना है। सत्येंद्र ने बुरी क्वालिटी का बना बनाया रास्ता उखड़वा कर कॉन्ट्रैक्टर को फिर से बनाने को मजबूर किया। कंसल्टेंट कंपनी के 5 भ्रष्ट इंजीनियर्स को सस्पेंड करवाया। इसके बाद भी जब सत्येंद्र ने पाया कि भ्रष्टाचार का जाल जड़ तक फैला हुआ है, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को एक गोपनीय खत लिखा, जिसमें सत्येंद्र ने चतुर्भुज योजना में हो रहे घोटाले का खुलासा किया। पत्र में सत्येंद्र ने खुद की पहचान गुप्त रखने की गुजारिश की, मगर ये गोपनीय खत उसी NHAI को पहुंचा, जिसके कई अफसरों के नियत पर खत ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। इस लापरवाही ने सत्येंद्र को भ्रष्टखोरों के सीधे निशाने पे ला खड़ा किया। सत्येंद्र के लिए स्थिति काफी जोखिम भरी थी। इसके बावजूद सत्येंद्र लड़ते रहे। उन्होंने खुद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी की मांग की, जिसके चलते प्रोजेक्ट डायरेक्टर सस्पेंड हुआ। एक आदमी अकेले सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। दिसंबर 2003 से सत्येंद्र बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक नई जिम्मेदारी शुरू करने जा रहे थे। उस समय फिर लोगों में रियल जो डर होता है वो पैदा होना शुरू हुआ कि अभी तक तो ठीक है वो किसी के अंदर थे, अब तो जो है कि वो पूरे के पूरे बॉस बन के आ रहे हैं, तब तो लोगों की और भी हालत खराब होगी कि अब तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सत्य का सूरज उदय होने से पहले ही बुझा दिया गया। समय जब मेरे को फोन आया तो लोगों ने बोला कि भैया को गोली लगी है, इज नो मोर। सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए, जिसे लेने से सत्येंद्र के पिताजी ने इनकार कर दिया। हमको न्याय मिलना चाहिए, मुख्य जो कल्प्रेट जो है उसको सजाए मिले, उसको पकड़ा जाए, उसको सजाए मिले, हमको चाहिए, पैसे की आवश्यकता नहीं है। सत्येंद्र जिस सड़क के निर्माण कार्य में जुड़े थे, आज उसकी दुर्दशा हो चुकी है। ये सड़क इस बात का प्रमाण है कि आज भ्रष्टाचार हमारे देश का शिष्टाचार बन गया है। क्या सत्येंद्र का बलिदान व्यर्थ था? क्या हम लायक हैं ऐसी कुर्बानियों के? दोस्तों, सत्येंद्र दुबे की हत्या हर उस बात की तरफ इशारा करती है जो हमारे समाज में भ्रष्ट है, गलत है। और जिस ईमानदारी और हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, वो सच्चाई और बहादुरी का एक प्रतीक है। सत्येंद्र जी ने अपने बलिदान से जो मशाल रोशन की है, उसकी लौ हमें कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। हमारे दिलों में उनका दर्जा एक शहीद का दर्जा है, और ये देश उन्हें हमेशा ऐसे ही याद रखेगा। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान के उस सपने की बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसे उन्होंने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा था। दोस्तों, अगर पिछले 65 सालों में हम पूरी तरह उस रास्ते पर चले होते तो शायद आज हम एक अलग हिंदुस्तान में रह रहे होते। हमारे देश की जो भी परेशानियां हैं, मुश्किल हैं, तकलीफें हैं, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम किसी और को उसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हमें अपने अंदर झांक के देखना है। जैसा चल रहा है, अगर हमें ऐसा ही देश चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे सपनों का हिंदुस्तान कुछ अलग है तो फिर उसके लिए हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं और इसमें हम सबको हाथ बटाना है। तो आज का हमारा सवाल है कि क्या हम अपने संविधान के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की हर कोशिश करेंगे, जैसा आज के हमारे मेहमानों ने करके दिखाया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 5782711। अगर आपका जवाब ना है तो एन टाइप करके इसी नंबर पर भेजिए। इस SMS को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है।
आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, प्रज्वला। प्रज्वला वो संस्था है जिसके साथ सुनीता कृष्णन जी काम करती हैं, और ये ऐसी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को बचाने का काम करती है जो ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार में घसीटी गई हैं। सुनीता जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी तरफ से आप ये भेंट कबूल कीजिए। आप एक से ज़्यादा SMS भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो SMS के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। दोस्तों, जिन जिन संस्थाओं को हमने अपने शो के जरिए चुना है, आप पिछले 3 महीनों से उन्हें अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुविधा अगले 1 महीने और तक खुली रहेगी। तो हमारे जरिए आप जितना सहयोग इन संस्थाओं को देना चाहते हैं आप 31 अगस्त तक दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मेरा देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरी सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, ये सवाल छोड़कर एक अलग सवाल पूछना होगा। और वो सवाल है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, उसके लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। और अक्सर जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने आप को जवाब में ये कहते हैं कि मुझ अकेले से क्या होगा, मैं तो अकेला हूँ, 120 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें एक अकेला आदमी क्या कर लेगा। अगर मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिया तो क्या फायदा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जिनकी कहानी देखने के बाद ये ख्याल आप दोबारा लबों पे नहीं ला पाएंगे। असाधारण और अविश्वसनीय लगने वाली ये एक सच्ची कहानी है। चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए बिहार के गहलौर गांव में दशरथ मांझी के साहस की ये दास्तां आज भी सुनाई जाती है। दुबले पतले जटा बढ़ाए, सदा बगल झोला लटकाए, 60 साल वे पार किए पर दिखते थे जस तस के, थे दशरथ धुन के पद के। इस गांव से सबसे पास का शहर वजीरगंज 70 किलोमीटर की दूरी पर था। रोजगार से लेकर हर बुनियादी जरूरत के लिए गांव वालों को पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। दशरथ भी हर रोज खेत मजदूरी करने और जंगल से लकड़ी लाने पहाड़ के उस ओर जाया करते थे। दोपहर में खाना और पानी पहुंचाने पत्नी फगुनी देवी पहाड़ चढ़कर आया करती थी। और फिर एक दिन एक घटना घटी। माइल घाड़ा लेके पानी लेके गया, खाना लेके ठोकर लगी तो वो गिर गई और मटकी फूट गई, उसके बाद खाना भी बिखर गया और घुटने में चोट आ गई। जेठ की दोपहरी थी, भूख प्यास से परेशान दशरथ पत्नी के इंतजार में आग बबूला हो रहे थे। आंख में आंसू लिए पत्नी उनके पास पहुंची। देख पत्नी की आंसू की धार, उनका गुस्सा हुआ फरार, सारी बात बताई पत्नी, कैसे फूटे मटके थे दशरथ धुन के पक्के। पत्नी के दुख ने उन्हें परेशान कर दिया और उन्होंने सदियों से चली आ रही तकलीफ से अपने गांव को बाहर निकालने की ठान ली। और उसी टाइम उन्होंने प्रण किया था कि जैसे हमारा घड़ा को तुम फोड़ा है ना, अब वैसे मैं तुमको भी फोड़ के बता देता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि पहाड़ को मैं फोड़ के आदमी को पार कर दूंगा। दशरथ ने अपनी बकरी बाजार में बेचकर 6 हथौड़ी खरीदी और अगले दिन से नामुमकिन लगने वाला पहाड़ काटने का काम अकेले ही शुरू कर दिया। दशरथ के पहाड़ तोड़ने के निश्चय का लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ऐसा काम कर रहे थे तो सब पब्लिक लोग कहा कि देखिए इन लोग पागला हो गया है, साधु पहाड़ कहीं आदमी से टूटेगा नहीं टूटेगा। सीमेंट वाला सीमेंट का बोरा होता है ना, उसी का बनियान पहनते थे, हम ही सिल देते थे। पागल तो खैर बहुत लोग कहते थे कि मजदूरी करता तो पेट भरता, वो बोले हम मजदूरी नहीं करेंगे, मांग के खा लेंगे, जहां है वहीं ठीक है। पागल नहीं हुआ था।
पागलपन नहीं, एक जुनून, एक दीवानगी थी। दिन बीत गए, महीने साल गुजर गए, पर दशरथ के हाथ नहीं रुके। पहाड़ में छैनी की मार लगातार चलती रही। 22 साल बीत गए। एक इंसान के साहस और हौसले ने पर्वत को भी पछाड़ दिया। अकेले ही दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर कर उसमें से रास्ता बना लिया। 70 किलोमीटर का रास्ता महज 7 किलोमीटर में तब्दील हो गया। हुई लोगों की परेशानी दूर, दशरथ भी हुए मशहूर। नहीं अटकते घाटी में अब गाड़ी के चक्के, थे दशरथ धुन के पक्के। तो दोस्तों, हमारी मुश्किलों का इलाज है थोड़ा पागलपन, थोड़ा जुनून। अपने देश के लिए एक जुनून, अपने काम के लिए जुनून, अपने समाज को बदलने के लिए एक जुनून। आज हमारे सामने हमारी नई पीढ़ी बैठी है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप इस देश को आगे ले जाएंगे, आप इस देश को संभालेंगे, ये नहीं बोलना है मुझे। लानत है मुझ पर अगर मैं ऐसा बोलूं। हम तो कुछ कर नहीं पाए, अब आने वाली पीढ़ी पर सब ढकेल दो। नहीं, हम में क्या जान बाकी नहीं है? हमारी रगों में अपने देश के लिए इश्क और प्यार का खून नहीं दौड़ रहा है? क्या हमारे सीने में आग नहीं जल रही है, जुनून नहीं है? आने वाली पीढ़ी भी काम करेगी, जरूर काम करेगी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, लेकिन हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे, उन पर सब कुछ छोड़ नहीं देंगे। मेरी पीढ़ी ये काम करेगी, मेरे माँ बाप की पीढ़ी ये काम करेगी, मेरे बच्चे ये काम करेंगे, हम सब मिलके ये काम करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा देश छोड़ जाएंगे जिस पर हमें गर्व होगा, उन्हें गर्व होगा। हम सब के सब 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के जुनून से ही वो सपना पूरा होगा जो हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह प्रार्थना कही थी। जहां उड़ता फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, जहां इल्म हो सबके लिए बेरोक टोक बिना शर्त रखा हुआ, जहां घर की चौखट सी छोटी सरहदों में न बटा हो जहां, जहां सच से सराबोर हो हर बयां, जहां बाजुएं बिना थके लगी रहें कुछ मुकम्मल तराशने, जहां सही सोच को धुंधला न पाए उदास मुर्दा रवायतें, जहां दिलो दिमाग तलाशे नए ख्याल और उन्हें अंजाम दे, ऐसी आजादी की जन्नत में ऐ खुदा मेरे वतन की हो नई सुबह। जय हिंद, सत्यमेव जयते। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे। अरे ना मुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे। शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसने जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसने जागा प्रेम। जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। दर दर जावे प्रेम जगावे, तुम भी जागो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे।
किसी तड़प ने किसी लगन ने छुआ जब भी छुआ रे हुआ यही हुआ रे। हर बदली उसकी नजरिया बदली डगरिया वो तो निकल पड़ा रे घर से निकल पड़ा रे। घर से निकल पड़ा रे दर दर जावे हाक लगावे तुम भी सुनो रे बंधु निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे निकल पड़ो रे रागी निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे निकल पड़ो रे रागी निकल पड़ो रे निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे रागी निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे रागी निकल पड़ो रे निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे निकल पड़ो रे रागी निकल पड़ो रे।